सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी फिलहाल हम लोग हैं बलसाड़ के रेलवे स्टेशन में और वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे और हमारा फ्रेंड जो हमें बॉम्बे घुमाने के लेके जा रहा है, क्योंकि उनके पास जो है बहुत सारा पैसा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सब जो है 2000 की नोट है, तो उसको जो है चेंज कराने जा रहे हैं हम लोग बॉम्बे। और ऑफकोर्स हमारे जो है सबसे नियर स्टेशन मुंबई लगता है नोट चेंज कराने के लिए, तो वहीं पे जा रहे हैं RBI पे नोट चेंज कराने के लिए। तो आपको भी पूरा प्रोसेस दिखाते हैं किस तरह से क्या होता है और कैसे जो है नोट्स चेंज होती है। तो हमारे फ्रेंड यहाँ पे अक्षय पटेल बहुत पैसे वाले, लेकिन हमको दौड़ा रहे पैसा लेके ही। तो चलिए ट्रेन आते वेट करते हैं ट्रेन का और निकलते मुंबई के लिए। જોઈ લે પેલી બાજુ ખોટા કોઈ સા ये तो इंग्लिश में हमारी पर पूछ लेंगे આપણે ચેક કરવું પડે તો ને પેલી બાજુ ઉપર જવું, પેલી બાજુ જવાનું। सो फ्रेंड्स पालघर के बाद जो है ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, हम तो सो गए थे। लेकिन फाइनली अब जो है सेंट्रल पहुंच गए हैं, तो यहां से जो है ट्रेन चेंज करके जाएंगे हम लोग चर्च गेट की तरफ, जहां पे फिर RBI की ऑफिस जाएंगे और देखते हैं क्या होता है, किस तरह का प्रोसेस है। मालदार पार्टी साथ में ही है। तो चलिए करते हैं ट्रेन चेंज, यहां से पकड़ते हैं लोकल और फिर निकलते हैं चर्च गेट के लिए। देख सकते हो यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ने वाला कोई नहीं है, एस्केलेटर पे सारे के सारे आ रहे हैं और हम भी उनमें से ही है, डिफरेंस कुछ नहीं है। सीढ़ी दी है क्योंकि ट्रेन से उतरते ही सीधा एस्केलेटर देखा तो चढ़ गए। और अगर स्टेयर्स चाहिए थी तो इस तरफ जो है स्टेयर थी, लेकिन सामने एस्केलेटर दिखी तो स्टेयर्स पे कौन जाएगा। પેલી બાજુ છે આ મેઇન બરાબર આ બાજુ છે ને, એની ટિકિટ મારી તે બાજુ છે, એક કામ કરે ઓનલાઈન પેલા છે ને આટલેથી કદાચ આટલે બી तो यहाँ पे गाइस हेलीकॉप्टर का पंखा लगाया है, तो यहाँ पे सेंट्रल में इस तरह का फैन है और आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो भी इसी तरह के बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, काफ़ी अच्छी हवा देते हैं, भले एनर्जी कितनी भी खा ले हवा आएगी आपको। एनर्जी का सवाल नहीं, तो चाहिए फैसिलिटी की चाहिए। अच्छा
कोई है नहीं, हवा खा रहा है, कौन खा रहा है? ऐसा थोड़ी है, कभी कोई आता जाता रहेगा तो उसके लिए वो तो चालू रखना पड़ेगा, ऐसे सेंसर लगाएगा तो चलेगा। हाँ, नीचे कोई दिखे दस आदमी वो धीरे धीरे चालू होगा, उसमें आएगा उसमें चला जाएगा। दस आदमी डिटेक्ट होंगे तो चालू होना चाहिए, रखना पड़ता है प्लेटफॉर्म में, इधर आना जाना चालू है। सेंट्रल टू बुक एंड ट्रैवल, बुक एंड ट्रैवल बुकिंग मोड, बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस राइट है ना? हाँ 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 पेपरलेस है, अपने ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते। तो यहाँ पे पेपरलेस टिकट जो है प्रिंट हो गई है मुंबई सेंट्रल टू चर्च गेट। तो अब फिर से चलते हैं स्टेशन के अंदर, क्योंकि इसमें दिखा रहा था कि आपका जो है 12 से 13 मीटर स्टेशन के दूर होना चाहिए, आपका जो है फोन जीपीएस स्टेशन पे ट्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीपीएस जो है स्टेशन के अंदर ही ट्रैक होगा तो वो समझता है कि भाई आप लोग जो है टिकट बारी से ही परचेस कर लो, लेकिन नहीं होना चाहिए। तो अभी फाइनल टिकट हो गई है, अब चलते हैं स्टेशन पर फिर से। हमारे फ्रेंड के हिसाब से ये वाला सिस्टम अपना लिया है बॉम्बे का, जाएगा आगे लेके जाओ भले कोई ना हो। अच्छा ऐसे बॉम्बे में आए तो ये पकड़ना ज़रूरी है, लोकल ट्रेन का पूरा पीछे लेना चाहिए। चर्च गेट पे आ गए हैं और यहाँ से देखते हैं अभी बस इजी पड़ेगी या फिर रिक्शा से जो है पहुँच सकते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। बस में ट्रैवल इनको पूरी बॉम्बे की लोकल लाइफ एंजॉय करनी है, ट्रेन बस पीली वाली टैक्सी तो बंद हो गई है, वो काली पीली आती थी ना वो बंद हो गई है। ट्राई फैंसी बસ તો સ્ટોપ થા છે નહીં આપણે છે ને હવે જોઈ લે ચાલી લે। તો મેરા ફ્રેન્ડ કા સપના જો હે મને તોડ દિયા, ક્યુકે બસ પકડેંગે તો ઇસ તરહ કી ટ્રાફિક મે જો હે બસ હમે કબ પહોંચેગી ક્યા માલૂમ હોસે ચા અપની 11 નંબર કી બસ લે લેતે હે और निकल लेते हैं सीधा ही, क्योंकि स्ट्रेट रोड ही वहाँ पे जा रहा है, उसके पीछे जो है आरबीआई का मेन। सो यहाँ पे फ्लोरा फाउंटेन आ गए हैं और फ्लोरा फाउंटेन से लेफ्ट मारते ही हमको जो डब्ल्यू मिलेगा और उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना है। आपको ढूंढना पड़ेगा, इस तरह के पेड़ आपको मिलेंगे उसका डब्ल्यू बना होगा, उस डब्ल्यू में आपको खजाना मिलेगा। तो जाए ना तो फ्लोरा का फाउंटेन आज बंद है, पानी की कमी हो रही है। गर्मी यहाँ पे ज़्यादा है फ्रेंड्स, अब
अपने वहाँ पे इधर ठंड लगती है और यहाँ पे गर्मी हो रही है। इडली सांभर खाई लिए, मैं बोला इडली सांभर खाओ खाई लिए सर, कहीं से मैं द्वारा इडली सांभर जाने अंकित अंकित दो प्लेट लगाओ ना सर, दो मेंदू वाला इडली, एक मेंदू वाला, एक इडली, एक मेंदू वाला इडली, हाँ यार दोनों ट्राई कर लिए। अप्रैल ला 25 ऐसा कुछ नहीं आता चाले 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 दो लम तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी सर्फिंग की जगह नहीं है तो अभी कैमरा मैं ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा पकड़ूंगा तो खाएगा कौन, ये तो मेरे को खिलाने नहीं वाला और ये खिलाएगा तो वो कट होगा। तो चलिए खाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस फाइनली जो है आरबीआई पे हम लोग पहुँच गए और मेरे सामने की तरफ आप देख पा रहे हो उस तरफ आरबीआई बैंक है और लाइन जो है शुरू हो गई है। मेरा फ्रेंड आपको दिख रहा होगा सामने की तरफ और पूरी लाइन आपको दिख रही होगी, उस तरफ जो पूरी लाइन आपको दिख रही होगी वहाँ से जो स्टार्ट होती है और उस तरफ जाके एंड होगी। तो देखते हैं अभी मेरे फ्रेंड को बाहर आने में कितना टाइम लगता है, वेट करते हैं क्योंकि मुझे तो अंदर जाने नहीं मिलेगा। अगर मैं अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लाया होता आधार कार्ड पैन कार्ड तो मुझे भी जो अंदर जाने का मौका मिलता और मैं अंदर जा पाता मेरे फ्रेंड के साथ ही, लेकिन मैं नहीं लाया तो फिर मैं यहीं पर बाहर रह के उसका वेट करूँगा और आने के बाद पूछते हैं एक्चुअली यहाँ पे क्या सिस्टम है। यहाँ पे लाइन लगी है, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड जो है अपने साथ रखना है, साथ में डॉक्यूमेंट रखने हैं मतलब जेरोक्स रखने हैं डॉक्यूमेंट्स के, और लाइन बढ़ती जाएगी और अंदर से ही आपको टोकन नंबर मिलेगा और टोकन नंबर के बाद जो है आपकी नोट एक्सचेंज होगी। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो किसी को भी साथ में मत लेगा, जो साथ में आएगा उसका आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होगा तो वो अंदर आ सकता है या फिर आपको बाहर ही वेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे वेट करता हूँ मेरे फ्रेंड के आने का, उसके बाद जो है कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सो फाइनली जो है मेरा फ्रेंड नोट्स चेंज करवा के बाहर आ गया है, तकरीबन 3 घंटे लग गए इनको अंदर से नोट चेंज करवाने में। तो मैं तो अंदर नहीं जा पाया लेकिन चलिए इनसे ही पूछते कि अंदर क्या था और किस तरह से जो है नोट्स चेंज करवाते हैं और क्या प्रोसेस रही उसकी। पहले बाहर लाइन में लगना पड़ता है, थोड़ा जोर से बोलिए, बैंक के बाहर लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ से धीरे धीरे करके सिक्योरिटी बैच वाइज थोड़े थोड़े को अंदर लेंगे बैंक के अंदर, उधर जाके फिर लाइन में लगना है, उधर से आपको टोकन देगा, टोकन के हिसाब से काउंटर नंबर उसमें लिखा ही रहेगा। ओके, तो वो काउंटर पे आपको देखते रहना है, उसके ऊपर डिस्प्ले लगा रहता है कि इतना नंबर आया, यूजुअली जो हर बैंक में रहता है उसी तरह से। ओके, तो जब अपना नंबर आएगा उसके हिसाब से फिर आपको जाना है। ओके, तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि जैसे कि पुरानी SBI में होता था जैसे कि आपको टोकन नंबर मिलता था उसके हिसाब से आपके काउंटर पे जाना था। ओके, तो पुरानी SBI की तरह ही था, यहाँ पे टोकन नंबर के हिसाब से जो अंदर एंट्री ले रहे थे और नोट चेकिंग वगैरह का क्या नोट चेकिंग करते हैं वो लोग, प्रॉपर एक एक नोट चेक करते हैं उसके बाद ही वो आपको एक्सचेंज में देंगे। ओके, और नोट्स पे अगर कुछ कलर वाला लग गया वो चलेगा कि नहीं चलता है तो पता नहीं है, उधर ऐसा कोई मेरे सामने तो कुछ निकला नहीं किसी का और मेरे भी नोट्स एकदम क्लियर थे, अच्छा इशू नहीं हुआ, तुरंत ही उन्होंने एक्सचेंज करके दे दिया। सही, खास ये है कि यहाँ पे 3 बजे तक ही लाइन से अंदर लेंगे, 3 बजे के बाद आपको बैंक में एंट्री नहीं देंगे क्योंकि अंदर भी काफ़ी भीड़ रहती है, 3 बजे पर अंदर भी शायद एक घंटा या 1.5 घंटा लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे सुबह हम लोग जब आए थे तभी लाइन जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे जो है टाइमिंग्स भी लिखे हुए थे, सुबह 10:30 से तकरीबन 3:30 बजे तक कुछ ऐसा टाइमिंग लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो यहाँ पे जो टाइमिंग्स लिखा हुआ है आ जाओ, मॉर्निंग में आ जाओ, क्योंकि सुबह आ जाओ 10 बजे से पहले आ जाओ, लाइन में लग जाओ, कुर्सियाँ लगी हुई हैं उसमें बैठ जाओ, धीरे धीरे करके एंट्री अंदर चले जाएंगे जल्दी तो जल्दी मजे बैठने लगने आ रहे हैं। ओके, तो आना हो तो मॉर्निंग में आओ क्योंकि मॉर्निंग में काम जल्दी हो जाएगा, दोपहर के बाद धूप ज़्यादा होती है तो यहाँ पे अभी गर्मी शुरू हो गई है तो आना है तो मॉर्निंग में आ जाओ।
तो चलिए अब उनकी तो हो गए नोट्स चेंज, अभी हम लोग जो है थोड़ी पेट पूजा करते हैं। यहाँ पे सामने की तरफ है पूरा फूड स्टॉल्स वगैरह है, कुछ खाते हैं और फिर थोड़ा बहुत घूमते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। तो चलिए कुछ खा लेते पहले हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खाने में जो है छोलो खींचे हम लोग खा रहे हैं आज, तो चलिए ट्राई करते हैं। टेस्ट अच्छा है लेकिन सही नहीं था। ये जो है सोचा नहीं है, ब्रेड है, ब्रेड ओरिजिनल छोले कुलचा खाना हो तो दिल्ली जाना पड़ेगा, बॉम्बे में आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आपको बहुत घूमना पड़ेगा। लेकिन टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं आप। और देखिए के पास में जो फूड स्ट्रीट है वहाँ के आप वहाँ पे आके आप जो है ट्राई कर सकते हो। चलिए अब दूसरी डिश ट्राई करेंगे, वहाँ पे मिलते हैं। आपका वो कहना क्या ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे जो है दूसरी प्लेट हम लोग ट्राई करें वो है पूरी सब्जी। तो चलिए करते हैं ट्राई। सो फ्रेंड्स थोड़ी पूरी की बात करें तो काफ़ी टेस्ट है, महाराष्ट्र का वैसे भी आप एक बार आप ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। छोले पूरी खाई यहाँ पे, छोले कुलचे का एक्चुअली, और यहाँ पे जो है हमने पूरी सब्जी खाई, काफ़ी बढ़िया थी पूरी सब्जी, हम लोग को ज़्यादा बेटर लगी छोले कुलचे के हिसाब से, क्योंकि कुलचे वहाँ पे जो है ओरिजिनल कुलचे नहीं थे, ब्रेड थे, तो मज़ा नहीं आया इतना। लेकिन यहाँ पे जो है पूरी सब्जी बहुत मज़ा आया, आप भी आके जो है ट्राई कर सकते हो अगर आप आरबीआई की तरफ आ रहे हो तो। चलिए तो अभी जो है निकलते हैं यहाँ से, एक यहाँ पे पास में फैशन स्ट्रीट है FS है, तो वहीं पे चलते हैं, अगर कुछ होता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर सीधे जाएंगे घर पे। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर लीजिए लाइक शेयर, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।